मैं संतां दा सत्कार करदा, मैनूं दुबारे गल करनी पऊगी। मैं बिल्कुल नहीं कह संतां, मैं हुण वी कहणा चाहुंदा इसे गल दा। महाराज जदों उह मेरा विरोधियां ने चक ली उदों मैनूं दस्सी आई थी, जे हुण वी कोई मेरे नाल करना है मैं 50 लाख की शर्त लाई हुई है। मेरे को जिम्मे पैसे तो नहीं कि मेरा किला 50 लाख का बिकता है। हूँ भी जो किसी ने आके वीडियो सुन के मेरे गल करनी हो, मैंने चेतावनी उन लोगों जो मेरा विरोध किया भी इन्हें संतान मार उदो जरूर मैंने 10-7 दिन रही है, पर आप फिर हौसले चो गए आप कह ही नहीं थीगा। मैं कहना हूँ भी जो मर्जी वीडियो देख लो, वो दिन जरूर महसूसी रही है, पर डरे डूरे नहीं। कोई यह सोच ले भी मरण तो डर गए जो ना डरना ना डरीए तो ना डरदा जन्म लिया। मैं संतां दा सत्कार करदा, मैनूं दुबारे गल करनी पऊगी। मैं बिल्कुल नहीं कह संतां, मैं हुण वी कहणा चाहुंदा इसे गल दा। महाराज जदों उह मेरा विरोधियां ने चक ली उदों मैनूं दस्सी आई थी, पर आपां उहदे क्लीयर करते थी। जे हुण वी कोई मेरे नाल करना है मैं 50 लाख की शर्त लाई हुई है। मेरे को जिम्मे पैसे तो नहीं है कि मेरा किला 50 लाख का बिकता है। हूँ भी जो किसी ने आके वीडियो सुन के मेरे गल करनी हो, मैंने चेतावनी उन लोगों जो मेरा विरोध किया भी इन्हें संतान मार उदो जरूर मैंने 10-7 दिन रही है, पर आप फिर हौसले चो गए आप कह ही नहीं थीगा। मैं कहना हूँ भी जो मर्जी वीडियो देख लो, वो दिन जरूर महसूसी रही है, पर डरे डूरे नहीं। कोई यह सोच ले भी मरण तो डर गए जो ना डरना ना डरीए तो ना डरदा जन्म लिया। ये समझ लगा डरने वाले लोग कदे लड़ नहीं सकते होंगे। ये सुन जे तुसी संघर्ष करना लोगों वास्ते, मैं नौजवानों संदेश देना 3 गल्लां तो कदे ना डरियो, परचे दर्ज होने तो, जेल जान तो, कुरबानी देण तो। 4थी गल कहना जे लोगों वास्ते दुल लड़ना है जिहड़ा रस्ता बाबे नानक ने बनाया थी, दसे पातशाहियां ने बनाया थी, सरदार भगत सिंह ने बनाया थी, तो ऊधम सिंह ने बनाया थी, चाचा जीत सिंह ने बनाया थी। इमानदारी नाल रह के उहो जिहे संघर्ष दे रस्ते पिओ, नहीं आपके घर काम कर रहे हो। बस हम पंजाब फिर तो चढ़ती कलाली च आजगा, क्योंकि जान पाई है पंजाब पंजाब के लोगों से एका इकट्ठा किया, खास करके पिंडां च जिथे कि बहुत ज़्यादा वखरेवा हो गया सी, अड्डो अड्ड हो गए सी लोग। मैं एक गल कहनी चाहुंदा, इह च साडी नौजवानी जिहड़ी संघर्षां दे राह बारे पारश बन के आने वाले समय संघर्ष समझ गए। मेरा ख्याल है कल का मैं इत्थे बैठागा, मैं ये ना कहाँ भी सैकड़ों च हज़ारा नौजवान मेरे इतने बैठे तो मेरे लाके फोटो ला के लगे ने गे, ठीक है ना। मैं भी उन्होंने सत्कार करता हूँ, मेरा असी आपकी नौजवानी राह पा गए, ये साड़ी एक बड़ी जित है सर। एक सुन मैं कहना, मैंने एक बद्धू जी ने मेरे सवाल करता भी सूँ लड़द लड़द दिक्कत कितने आदि। मैं कहा सू दिक्कत आदि जो असं घर तुरद उदे दिक्कत आँदी है, घर के घरवाली होप हो कोई भी हो वो कहो भी क्यों रो झोला चक लिया। मैं उन्होंने असं कोई परवाह नहीं मानते, बस देख लें भी तो हटता तो है नहीं। अगली लड़ाई होंगी साड़ी अफसरशाही, असं अफसरशाही कोई परवाह नहीं करते। साड़िया 32 जथे मैं गल कहूँ संगूंगा ने सा मेरी गल जानी चाहिए है, 6 जथेबंदियों ने सू अंदरों खराब किया भी दोलन सिरे ना लग जाए। मैं नहीं उन्होंने लै सकता, पर असी फिर भी आपकी गल में सीधी जिते आके आपकी लै गए, उन्होंने असं आपकी गलते मना लिया भी ए ढंग ऐ नहीं थी भी वह कोई दोलन के विरोधी थी, पर जिहड़ी गल नाल दोलन जितया जा सकता है वह तो छेती सहमति नहीं करते थे। इन्हू होर नहीं इधर बदलना नहीं, पर असं खीर से उन्होंने आपके नाल रला लिया। जिहड़ा साडा सानू दिक्कत जो अंदर साडे मतभेद हो जाए विचारां दा टकरा आ जाए उत्थे सानू ख्याई है, होर असं लड़न वाले लोग किसी की परवाह नहीं करते, ठीक है ना। गल चाहे कोई विरोधी साडा बाहरों प्रचार के जो सियासी लोग साडा विरोध करिए जो मर्जी करे, साडा जो अंदर टकरा आ सकता है। 19 तरीक नूं मोदी ने कर लिया।